नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन कंप्यूटर वर्क में आपका स्वागत है। ऑनलाइन कंप्यूटर वर्क की सीरीज़ में हम आज काउंटर वाउचर एंट्री से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन लेके आए हैं, जिसमें हम आपको काउंटर वाउचर में कैसे हम एंट्री करते हैं और उसमें क्या क्या एंट्री होती हैं उसको हम बताएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने रिसिप्ट वाउचर एंट्री, जनरल वाउचर एंट्री और पेमेंट वाउचर एंट्री हम करना सीख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम काउंटर वाउचर एंट्री की लेके आए हैं, उसको हम बताएंगे आपको कैसे एंट्री करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास कंपनी है, हमारे ऑनलाइन कंप्यूटर वर्क, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप इसको पहली बार आए हैं यूट्यूब चैनल पे, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन इसके आगे जो भी हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे वो आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पास मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है पहले से, ऑनलाइन कंप्यूटर वर्क, और मैं इसकी एंट्री करने के लिए मैं इसमें चलते हैं यहाँ पास अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं तो सबसे पहला काउंटर वाउचर होता है, काउंटर वाउचर का शॉर्टकट की है F4। तो F4 यहाँ पास प्रेस कर देते हैं, यहाँ काउंटर वाउचर में आ गए। अब देखते हैं पहला ट्रांजेक्शन क्या बोलता है। नगद रुपया जमा किए SBI अकाउंट, अकाउंट नंबर है 4356 में 60,000 रुपये, ठीक है। तो इसका लेज़र क्या बनेगा देखते हैं। तो इसका लेज़र CR में हो जाएगा कैश, क्योंकि बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो सॉरी, तो इसका लेज़र तो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश पहले से बना होता है। कितना जमा किए 60,000 रुपये, कई दहाई सैकड़ हज़ार 10,000। और DR में SBI, तो SBI अकाउंट बना लेते हैं Alt C प्रेस करके, SBI अकाउंट, सॉरी अकाउंट नंबर भी है इसमें SBI अकाउंट। अकाउंट नंबर क्या है इसका 348 348। तो क्या है बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पास अकाउंट नंबर क्या हो जाएगा 438, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पास बैंक नेम SBI बैंक, तो यहाँ पर 60,000 दिए हैं, तो 5 500 के कितने हो जाएंगे 30 note। ठीक है, 120। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं। हमारा यहाँ SBI अकाउंट 4356 से रुपए निकाले 2500 रुपये। अब यहाँ SBI जो अकाउंट बैंक अकाउंट है 4356, सॉरी मैंने यहाँ पास अकाउंट बैंक अकाउंट 4338 कर दिया था, तो इसको भी मैं 4338 कर देता हूँ, 4388 कर देता हूँ, ठीक है। 4388 डाला था तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ 4388। अब यहाँ पास जो पैसा जमा किया 60,000, तो यहाँ पास 2500 रुपये बैंक से निकाला है, तो निकालने तो क्या हो जाएगा इसका कैश, कैश निकाला इसमें से, तो कैश यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं CR में, कैश कितना 2500। और DR में क्या हो जाएगा SBI बैंक अकाउंट, सौ सौ के नोट 25। दोस्तों हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन गलत कर दिया है, तो उसको चेंज सुधार लेते हैं यहाँ पास। तो डिस्प्ले में चल के हम यहाँ इसको सुधार लेते हैं, आपको पता भी चल जाएगा कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पास मैंने ट्रांजेक्शन कौन सा चेंज किया है, ये 2500 का। इसको हमें यहाँ पास
सीआर में हमें बैंक अकाउंट डालना था, तो यहाँ पर एसबीआई बैंक अकाउंट डालना था, हमने उल्टा कर दिया था, और इसको यहाँ हमने और यहाँ कैश डालना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे सुधार सकते हैं। बैक करके वापस चलते हैं, वापस अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, एक्सिस बैंक 786 से 5000 रुपये ट्रांसफ़र किया एसबीआई बैंक 438, तो यहाँ 438 डाल देते हैं 38 में। ठीक है, तो एक्सिस बैंक से ट्रांसफ़र किया किस में, एसबीआई बैंक में, तो इसका लेसर क्या बनेगा देखते हैं। तो एसबीआई तो सीआर में क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक, तो अल्ट सी करके एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर क्या है, 786 786 बैंक अकाउंट आएगा, अकाउंट नंबर है कितना 786 एक्सिस बैंक कितना है, एक्सिस बैंक का 5000। डीआर एसबीआई, तो एसबीआई यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारा पहले से बना हुआ है एसबीआई। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं हमारा, 1500 रुपये ट्रांसफ़र के पेटी कैशियर को। अब यहाँ पास पेटी कैशियर को 1500 रुपये ट्रांसफ़र किए, तो इसकी एंट्री देखते हैं कैसे होगी। तो सी आर में हो जाएगा कैश, तो कैश यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, कितना 1500 किसको किए ट्रांसफ़र, पेटी कैशियर, तो अल्ट सी करके यहाँ पास पेटी कैशियर, इसका लेजर होगा कैश इन हैंड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चलते हैं, क्या बोलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, देना अकाउंट 5897 से 15000 रुपये निकाले। अब यहाँ देना बैंक अकाउंट से 15000 रुपये निकाले, तो क्या हो जाएगा, तो सी आदमी हो जाएगा देना बैंक अकाउंट, तो अल्ट सी प्रेस करके यहाँ पर देना बैंक अकाउंट किस में आ जाता है, बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर क्या है 5897, तो 5897 और बैंक का नाम क्या है, देना बैंक। कितना निकाले 15000 रुपये। डीआर में क्या हो जाएगा कैश, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन IDBI अकाउंट 8025, एक सेकेंड सॉरी में यहाँ में होना चाहिए, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांजेक्शन गलत है, में 30000 रुपये जमा किए IDBI बैंक में, 30000 रुपये जमा किए, तो पैसा जमा किया IDBI बैंक में, तो क्या हो जाएगा, तो सी आर में हो जाएगा कैश जमा कर रहे हैं, कितना 30000, 1000, 10000 कहाँ जमा कर रहे हैं, IDBI बैंक, तो अल्ट सी प्रेस करके IDBI अकाउंट,
अकाउंट नंबर क्या है, 80025। बैंक अकाउंट नंबर क्या है, 80025। और आई डी बी आई बैंक। तीस हजार निकाले तो 300 नोट डाल देता हूँ, 30,000 हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होता है। कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट, महिंद्रा अकाउंट से 4896 में 50,000 रुपये जमा किए। अब यहाँ पास कोटक महिंद्रा बैंक में 50,000 रुपये जमा किए, तो यहाँ लेजर क्या बन जाएगा देखते हैं, इसकी एंट्री कैसे होगी। तो सी आर में यहाँ पास हो जाएगा, तो कैश अकाउंट हो जाएगा सी आर में, तो कैश ले लिख लेते हैं यहाँ पास, कितना 50,000। और डी आर में हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, तो अल्ट सी प्रेस करके बैंक अकाउंट जाएगा। अकाउंट नंबर है इसका, तो देख लेते हैं अकाउंट नंबर है कि नहीं दिया है। हाँ, 4896 यहाँ हो जाएगा, 4896 ठीक है, यहाँ हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि काउंटर वाउचर की एंट्री हम कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।